हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर देखिए ये दो क्वेश्चन ले रखे हैं। हाँ देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो हम दो क्वेश्चन इसलिए नहीं सर, ये जो क्वेश्चन नीचे वाला जो क्वेश्चन लिख रखा है ये 2019 का मेंस में पूछ रखा क्वेश्चन है। हाँ तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये कॉपी में तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन करवाते थे, ये दिख रहा ये क्वेश्चन कॉपी में ऑलरेडी करवा देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, बस हल्का सा चेंज कर दिया है। इसका यहाँ क्या पूछ दिया है, एन का वैल्यू तो निकालने के लिए यहाँ बोला ही है, और यहाँ पर भी क्या बोला है, एन का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पे एन का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, और इसका क्या करेंगे, इनवर्स निकाल देंगे। समझ रहे बात को, तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम, एक बना देते हैं, ये आप कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए क्या लिख रखा है, हाँ कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिसेस, हाँ ये मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस इज इक्वल टू, हाँ ये सबका सारा प्रोडक्ट क्या आ जाता है, ये आ जाता है, देन द वैल्यू ऑफ एन। हाँ ये भी क्वेश्चन देखिए यही है, हाँ लेकिन यहाँ क्या था, एन तक गया है, यहाँ क्या गया है, एन माइनस वन तक गया है, और 78 हाँ ये बराबर करने बोला है। देखिएगा बहुत अच्छा समझिएगा ये क्या बोल रखा है, क्या करते हैं सर, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा, हाँ इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये मान लेते हैं कि सेकेंड है, हाँ तो फर्स्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या आता है कि कर लेते हैं कि इसका इससे करेंगे कितना जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसका इससे किए वन, इसका इससे किए क्या आ गया जीरो, इसका इससे किए आ गया टू, इसका इससे किए आ गया थ्री। हाँ थ्री को देखिए हम इस तरह से लिखते हैं थोड़ा चलाकी सा, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी कीजिएगा कि बहुत सारा ये है, हाँ तो देखिएगा ऐसे अभी लिख देते हैं, थ्री लिख देते हैं, थ्री आ गया, अच्छा इसको यहाँ से जीरो इससे किए तो जीरो, हाँ इसका इससे किए जीरो इससे किए तो आ गया वन, यानी कि यहां तक का मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा अब इसका मल्टीप्लीकेशन किससे कर दे, इससे कर वन थ्री जीरो वन से और जीरो वन से, वन से इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा अब देखिए क्या करता है, अच्छा जो थ्री आया था यहाँ पे, हाँ उसको ध्यान दीजिएगा कि कैसे आया था थ्री, इसको जब इससे किए थे तो इसका इससे किए थे टू, और प्लस वन आया था ये थ्री टू प्लस वन करके, हाँ तो इसको ध्यान दीजिएगा कि टू प्लस वन करके आया। हाँ अब देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आएगा, इसका इससे किए वन, इसका इससे किए जीरो, यानी वन ही रह गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका इससे किए तो कितना आ गया थ्री, इसका इससे किए तो क्या आ गया थ्री, कितना हो गया सिक्स। हाँ अच्छा इसका इससे किए तो यहाँ जीरो और वन रह जाएगा। हाँ अब सीक्वेंस क्या पकड़ना है, देखिए यही चला कि यही चीज को सीखना है अपने को बस, और कुछ चीज में सीखना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम ये चीज सीखना चाह रहे हैं कि ये जो थ्री आया था ये क्या आया था, टू प्लस वन करके, टू प्लस वन करके आया था। अच्छा अब जब इसका यहाँ पर कैसे, जब ये यहाँ देखिएगा आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू प्लस वन, समझ गए, यानी कि जब दो किए थे कैसे आया, इधर का टू और इधर का क्या आया वन आया। अब देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे किए, जिस वक्त इसका इससे कर रहे होंगे, यहाँ इससे कर रहे होंगे, इसका इससे किए होंगे तब थ्री आया, तो एक तो ऐसा आया, वो देखिए हाँ इसका इससे करके दिखाना, ऐसे तो हम करके ला दिए हैं बट दिखाना क्या चाह रहे हैं कि इसका इससे किए तो आ गया थ्री, समझिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बोलिए, टू प्लस वन, मन क्या कुछ देखिए ना, तो टू प्लस वन को क्या किए, वन से मल्टीप्लाई किए तो वही आ जाएगा, यानी कि टू प्लस वन, यानी कि यहाँ पर जो दिखना चाहिए, देखो यहाँ सिक्स दिख रहा, देखो ये सिक्स के स्थान पर यही दिखना चाहिए था थ्री टू वन, यानी कि किए क्या हम लोग, देखिए जब तीन जहां पर बाकी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सब में एज इट इज आया। हाँ आप देखिए कि पहला में भी यही है, हाँ ये तीनों सेम है, दूसरा में भी ये तीनों क्या है सेम है, तीसरा से मल्टीप्लाई किया तब पर भी ये तीनों क्या है सेम ही है, बदल क्या रहा है सिर्फ यहाँ का पोजीशन क्या हो रहा है बदल रहा है, और कैसे बदल रहा कि जब एक किए थे तब एक था, जब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन किए थे तो टू प्लस वन आ गया, या वन प्लस टू बोल लीजिए, हाँ जब तीन मैट्रिसेस का किए थे तो सिक्स आया था, हाँ वो कैसे लिख सकते हैं थ्री टू वन। इसी तरह बताइए कि जब डॉट 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 करके एन तक मल्टीप्लाई करते जाएगा कैसे आएगा, एन आ जाएगा, एन एन माइनस वन, और डॉट डॉट करते कहां तक आ जाएगा वन, चाहे पैसे भी बोल सकते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 के आ जाएगा वन आ जाएगा, ये बात समझ में गए। अब इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज को अब कैसे लिखते हैं नाउ, हाँ नाउ अब इस चीज को लिखते हैं, ये वन जीरो वन तो हमेशा रहेगा, समझिए यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वन एन जीरो वन, ये बात समझ में आ गया। तो अब क्या हो गया, ये सब तो बराबर है ही है, बराबर कौन नहीं है, ये नहीं है तो इसको इसके बराबर कर दें। अच्छा यहाँ पर 378 लिख रखा है ना, अरे ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग,
यहाँ पे 378 है ना, 378 आ गया, तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 378, तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, हाँ लिख लें, थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 378, हाँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, थोड़ा मिटा लेते हैं, तो इस तरफ क्या आ जाएगा इसका, हाँ इससे किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ एन इंटू एन प्लस वन इंटू क्या जाएगा, इससे दो मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 16 14 15 और 6 1 7 ये आ गया। अच्छा इसमें देखिए क्या है, एन इंटू एन प्लस, तो इसके मतलब क्या है कि दो लगातार इंटीजर्स हैं, हाँ तो आप इसको कैलकुलेशन मत कीजिए, हाँ आप ऐसा सोचिए कि इसका दो लगातार इंटीजर्स क्या होगा, हाँ तो जैसे देखिए कैसे इसको बनाते हैं, 756 लिखा हुआ है, इसको 2 378, हाँ इसको 2 किया तो कितना आ गया 2 3 1 17 8 1 198 आ गया, हाँ 9 8 17 19, यहाँ कितना आ गया 3 मत में लगाए कितना जाएगा 6 3, यहाँ 3 मत में लगाई तो 9 आ जाएगा, सॉरी 21 आएगा, और यहाँ 3 कर दीजिए क्या आएगा 27, हाँ इसको लगातार दो इंटीजर्स में ब्रेक कीजिए कैसे आ सकता है, देखिए यहाँ 3 है ना, हाँ इसका देखिए 4 4 3 12, हाँ और इसका लगातार एड नहीं आएगा, हाँ यहाँ देखिए 4 और इसका 7 से कर देते हैं कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हाँ और इसका देखिए ई इतना दूर कर देते हैं 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना 27, तो क्या करते हैं इसको क्या लिखते हैं, दो लगातार इंटीजर्स क्या हो गया 27 और 28 हो गया, यानी कि n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 28, तो n का वैल्यू 27 पुट कर देते हैं सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया अपना 27 हो गया ना 27 सेटिस्फाई, n का स्थान 27 लेंगे तो n प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 756 भी आ गया, देखिए कैसे किए, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 27 हो गया, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे, हाँ अब देखना, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया आपको, अब देखिए जो आईआईटी मेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है वो करते हैं, इसका भी एक्चुअली इस समय डाल लेते हैं, अब देखिए ये जो क्वेश्चन गया है यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन कहां तक गया था एन के पास गया था, ये कहां रुक गया एन माइनस वन के पास रुक गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो पिछला क्वेश्चन में था वो कितना था एन, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना रह जाएगा एन माइनस वन, हाँ आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा इसके बराबर बन जाएगा ये क्वेश्चन 1 7 8 0 और 1 इसके बराबर रह जाएगा, क्लियर है, यानी कि यहाँ पर आप एन नहीं लिखेंगे, अब यहाँ क्या लिख देंगे एन माइनस वन लिख लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा इसका, तो नेचुरल नंबर का सम जानते हैं वही होता है, क्या n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा, 78, हाँ अब n के स्थान पर क्या रखेंगे n माइनस 1, क्योंकि वहां तक तो n तक था इसलिए हो गया, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर कम हो गया ना n माइनस 1 हो गया ना, तो n के स्थान पर क्या रखेंगे n माइनस 1, हाँ तो n माइनस 1 और यहाँ पे n माइनस 1 रखेंगे क्या सिंपल n दिखा दे देगा, और इधर कर देंगे तो कितना जाएगा 2 मत में करेंगे 16 14 15 156 आ जाएगा, ये भी देखिए दो लगातार इंटीजर्स है n, सॉरी ये n n और n माइनस 1 दो लगातार इंटीजर्स है एक कम है, इसको क्या करेंगे 156 को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, दो मत में 78, दो मत में कितना हो जाएगा 3 9 39, और तीन मत में क्या हो जाएगा 13, तो 12 13 देखिए आ गया 4 3 12, हाँ 12 इंटू 13, हाँ तो क्या लिख लेते हैं 12 इंटू 13, तो इसमें देखिए बड़ा कौन है n, तो 13 इंटू क्या करेंगे 12, समझे तभी तो 13 यहाँ रखेगा तो एक कट के आ जाएगा 12, यानी कि n का वैल्यू हम लोग क्या निकाल लिए 13, तो n का वैल्यू जब 13 निकाल लिए तो पूछ रखा है कि इसका इनवर्स क्या होगा, समझ रहे हैं, इत क्वेश्चन को रखा है इतना देन इनवर्स ऑफ इतना, तो n का वैल्यू निकाल लिए, हाँ तो इसका निकालने का मतलब है क्या कि इसका वैल्यू निकालना कि 1 0 n के स्थान पर 13 और 1, इसका बोला इनवर्स निकालने के लिए, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा इसका इसका पोजीशन चेंज होता है, ये तो 1 ही 1 है तो 1 1, हाँ और इसका साइन बदलता है तो 0 का साइन तो नहीं बदलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -13, यहाँ पर आ जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय 1 -0 वही रह जाएगा, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है 1,
तो कुछ नहीं, तो अपना आंसर क्या रह जाएगा, यही वाला अपना आंसर। ये जेई मेंस का पूछ रखा था क्वेश्चन, देखें कि एक क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ था, हाँ, जो पहले से भी करवाते हैं, हमेशा करवाते हैं, हर एक बैच में करवाते आए हैं, समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर ये क्वेश्चन जब जान रहा होगा बच्चा लोग, तो इसको बनाने में क्या टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं। हाँ चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस चाहे एडवांस टाइप का भी बहुत क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। क्या बोल रखा है कि ये दे रखा है आपको कंडीशन, ये क्या है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंडीशन है ना, हाँ, एंड ये रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई दे रखा है, या वन दे रखा है, वन है एक्चुअली, ये वन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा है वन, इसके मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, और क्या दे रखा है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको आई, हाँ, तो पूछ रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। हाँ तो देखिए क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स को फैक्टर, समझ रहे हैं, फिर क्या लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इट्स को फैक्टर, यानी सब जो है को फैक्टर की तरफ मूव कर रहा है, समझ गए, तो को फैक्टर के लिए क्या होता है, को फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज लेते हैं, हाँ, तो इसका सिर्फ ट्रांसपोज चाहिए हमको, तो सिर्फ इसका ट्रांसपोज होने के लिए क्या करेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सोच लीजिए कोई चीज को भी आपका अगर जरूरत रहता है तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आ रहा है कि ए इनवर्स को क्या करें मल्टीप्लाई कर दे प्री तरफ ने? हाँ प्री, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई होगा, हाँ क्यों, समझ रहे हैं कि को फैक्टर की तरफ मूव कर रहा है, तो को फैक्टर की तरफ मूव कब कर रहा है, तो क्या वो डिटरमिनेंट का क्या होता है, किसी भी डिटरमिनेंट का को फैक्टर, हाँ तो क्या होता है ट्रांसपोज वगैरह करते हैं, एडजॉइंट वगैरह करने के लिए, समझ गए, तो इस तरफ क्या करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स क्या आ जाएगा आई, आई आ जाएगा, तो यहां तो आई हो गया, यानी सिंपल यहाँ क्या बच जाएगा, ए का ट्रांसपोज बच जाएगा, हाँ, और यहाँ क्या बच जाएगा, ए का इनवर्स बच जाएगा, समझ गए इस बात को, इसका बच क्या बच जाएगा, ए का इनवर्स, अच्छा किसी भी इनवर्स को, अच्छा किसी भी इनवर्स को निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है, अपना ए ट्रांसपोज इक्वल टू लिख सकते हैं कि एड ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस चीज को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस चीज को, अच्छा अब देखिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सीधा लिख दें एडजॉइंट ऑफ ए, क्यों, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या है वन है, वन है, हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट, अच्छा जब ये अगर हो गया तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है कि जो आपका, हाँ जो इसका मान के लिए एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसके मतलब क्या निकालना है कि ए मैट्रिक्स जो है उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये बात समझ में आ गया, कोफैक्टर का क्या होता है ट्रांसपोज होता है, अच्छा दोनों पे ट्रांसपोज है, दैट मींस ए बराबर कोफैक्टर होगा, चाहे दोनों तरफ ट्रांसपोज अपना मन से फिर से ले लीजिए, दोनों तरफ अपने मन से, मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि अगर दोनों पर सेम सेम ट्रांसपोज है, हाँ इस पर भी एक ट्रांसपोज है, इस पर भी एक, इसका मतलब बेस बेस क्या हो रहा होगा, सेम हो रहा होगा, अब ऐसे भी करके दिखा दे, दोनों तरफ से ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो वही बात आ जाएगा, हाँ को फैक्टर का ट्रांसपोज ले लिए तो फिर तो ओरिजिनल ही आ जाएगा ना, ए बराबर क्या आ जाएगा, को फैक्टर ही आ जाएगा, तो देखिए किस तरफ मूव कर रहा, आप लोग को फैक्टर की तरफ ही क्यों मूव किए, ये बात समझ में, कि सारा जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, को फैक्टर के टर्म में दे रखा था, तो को फैक्टर में मूव करने के लिए क्या किया, ए इनवर्स लाना पड़ गया, समझे, और डिटरमिनेंट ए का भी यूज करना था, ये सोच लीजिए कि को फैक्टर भी आना चाहिए और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी आना चाहिए, इसलिए हम क्या किए, ए इनवर्स की तरफ क्या किए, मूव किए, अब देखिए बात, यानी क्या आ गया, मैट्रिक्स ए बराबर उसका को फैक्टर भी आ गया, और को फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का को फैक्टर निकलता है, समझे बात को, तो यहां देखिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स को फैक्टर, बिल्कुल सही है, इसका देखो ना, इसका प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर है, इसका को फैक्टर के बराबर है, यानी कि यही ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर लिखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है, इफ ए इज इनवर्टेबल आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ तो आइडमपोटेंट लेते हैं, क्या बोल दिया कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, हाँ
अब पूछ रखा है एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में पूछ रखा है हाँ। अच्छा अब बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जब इस तरफ ए रहेगा तब तो हाँ, तो इस तरफ क्या करते हैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरफ ए ही आ जाएगा हाँ, क्योंकि इधर तरफ अगर दोनों तरफ एडजॉइंट ले लीजिएगा तो यार ए ही स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए नहीं कर सकते हम, इसलिए इसी को क्या बना लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हाँ। देखिए कैसे आ जाएगा हाँ, आपको समझ में आएगा। क्या करते हैं ए इनवर्स से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दी ना, ए इनवर्स इक्वल टू ए। अब यहाँ पे कितना आ गया ए का पावर माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर। अच्छा इस तरफ देखिएगा माइनस वन प्लस टू ए ही रह जाएगा इज इक्वल टू क्या आ गया आई। अब सोचिए कि अगर यही बस हम लोग एडजॉइंट लेते क्या आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर क्या करते कुछ नहीं कर पाते। अब देखिए इनवर्स से कर लिए तो ए बराबर क्या आ गया आई। अब दोनों तरफ क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए दोनों तरफ सॉरी यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ क्या निकलेगा आई, एडजॉइंट ऑफ आई निकलेगा दोनों तरफ में। तो एडजॉइंट ऑफ हम बता रहे प्रॉपर्टी के अंदर की इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है हाँ, बताया होंगे आप प्रॉपर्टी देख लीजिएगा समझ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके बराबर आ गया आई के बराबर हाँ, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का है हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्या सिखाए कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया आई के बराबर। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आई के बराबर है। अब यहां से देखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। कैसे एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर है आई के बराबर, हम इसको क्या लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि आई का ही होल स्क्वायर हो गया, मतलब आई रह गया, यानी कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है समझ रहा ये। और देखते हैं चेक होता है क्या ए इनवर्स भी हो सकता है। तो अब क्या करते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कि इसको हाँ इसी को आई को ही हाँ आई का, आई का अगर इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा हाँ, इस पे थोड़ा शक लग रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए तो सही है हाँ, अब सी क्या बोला कि ए इनवर्स हो सकता है या नहीं हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए इनवर्स। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आया हाँ, तो आइडेंटिटी एडजॉइंट ऑफ ए है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हाँ, तो ए का इनवर्स भी किसके बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा समझ रहे। उसका अगर एडजॉइंट क्या आ गया है कैसे देख लेते हैं इनवर्स किसके बराबर होगा, इनवर्स बराबर ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए हाँ, तो आ सकता है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए तो यहाँ पे आई आ चुका है हाँ, लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा ये थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ सर बोल रहे थे क्या कि ए इनवर्स में कंफ्यूजन आता है, ए इनवर्स भी आपका आंसर होगा हाँ, वो देखिए आपको कैसे बताते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए आई बराबर होता है हाँ, अब बताइए कि आई का इनवर्स भी क्या होगा आई होगा, आई ही बराबर होगा हाँ, आई का इनवर्स भी किसके बराबर क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए तो आई के बराबर है और आई का इनवर्स भी क्या होगा आई के बराबर होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है वन होता है, इसके ये बराबर हो गया दैट मींस ये भी अपना क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाँ सर देखिए हाँ क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन को, इफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखा है देन प्रूफ दैट एफ एंड जी सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको हाँ एफ एंड जी जो है इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है आर इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ ए हाँ, और बोल रहा है कि इसके बराबर कोई है हाँ। तो क्या करते हैं देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स और यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है, तो आपने तुरंत क्या आना चाहिए याद आना चाहिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद आ जाना चाहिए, यानी कि मतलब ए माइनस एक्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा ए सॉरी यहां बन जाएगा ए माइनस एक्स बन जाएगा ना बी यहां सी यहां पे डी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो ना ए माइनस एक्स आई करेगा तो यही क्रिएट आ जाएगा इसको ब्रेक कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाँ, देखते हैं क्या आता है यहां से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस एक्स और डी माइनस एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस डी हाँ, माइनस माइनस दोनों कॉमन लेंगे तो प्लस वही बन गया ना, और माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी एक्स और प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लिए हाँ सॉरी एक्स कॉमन ले लिए
x कॉमन लेते हैं क्या आ जाएगा a प्लस डी अब प्लस ए डी माइनस बी सी हाँ ए डी माइनस बी सी आ गया। अब यहां पर क्या आ गया अब क्या करते हैं ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या बोलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना मैट्रिक्स को क्या करता है सटिस्फाई करता है। इसके मतलब ये क्या बन गया ए प्लस डी हाँ ए आ जाएगा ना और यहां पर क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी आई क्योंकि ए डी माइनस बी सी एक एलिमेंट है यहां पर कोई कॉन्स्टेंट आएगा ना ये किसके बराबर हो गया आई इक्वल टू किसके बराबर हो गया जीरो बराबर। अब देखिए क्या बोल रखा है कि सटिस्फाइंग द इक्वेशन एफ जी हाँ तो एफ और जी सटिस्फाई का क्या मतलब एफ का वैल्यू क्या आ गया अब देखो कंपेयर तो बोला है सटिस्फाई कर रहा है एफ और जी इस इक्वेशन को क्या कर रहा सटिस्फाई कर रहा तो अगर सटिस्फाई कर रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा समझ गए तो एफ का वैल्यू क्या होगा देखो ना यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है माइनस है तो एफ का वैल्यू क्या होगा माइनस ए प्लस डी हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस डी देखो ना कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी जी का वैल्यू क्या हो गया ए डी माइनस बी सी सोचो ना ए डी माइनस बी सी एक कॉन्स्टेंट आएगा हाँ इसके साथ इसीलिए अब देखो अगर एफ का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं माइनस ए प्लस डी इसके बराबर हो जाएगा देखो ना बराबर करके देख लो इसीलिए क्या करते हैं इसका सोचे कैसे कि अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स है हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे सोचे बेटा कि यहाँ पे क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ देख रहे हैं क्या क्वाड्रेटिक इसी तरह मान चलो आप कैसे सोच सकते हैं बहुत क्वेश्चन इस पर करवा लिए हैं कि यहाँ पर मान चले कि क्या है थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पर क्या बनेगा क्यूबिक बन जाएगा तो सोचेंगे कि इस टाइप का क्या है और फिर क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे हाँ और साथ ही साथ क्या बोला आर इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस ए हाँ अच्छा एफ का जो वैल्यू है देखो ना माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए नहीं है यही चीज तो साबित करने बोल रखा था हाँ देखिए ना ट्रेस ऑफ ए होने का मतलब क्या है ए प्लस थी हाँ तो माइनस ट्रेस ऑफ ए है या क्या समझ बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है क्या बोल रखा है ए इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है ए बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए है हाँ सच दैट बी डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या है छोटू वाला बी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस और ए इक्वल टू 3 दे रखा है छोटू वाला वैल्यू ए क्या दे रखा है 3 यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 है ये समझ में आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है 3 देखते हैं क्या दे रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है ए और ए किसके बराबर है 3 यानी कि ओवरऑल डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या है 3 है क्लियर है। अब देखिए यहां से सोचते हैं कि b इक्वल टू क्या दे रखा है बाबू एडजॉइंट ऑफ a दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ b दे रखा है यानी कि दोनों तरफ डिटरमिनेंट अपने से खींच लें आपको याद होगा कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते होंगे इसका देखिए फॉर्मूले सीधे होता होगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 1 हाँ अब देखिए दो एडजॉइंट का निकालना रहता था तो n माइनस 1 का होल स्क्वायर याद आ रहा याद आ रहा अगर मान लीजिए 3 का निकालना था n माइनस 1 का होल क्यूब अगर n एडजॉइंट का निकालना था तो n माइनस 1 का पावर n याद आ रहा तो अभी तो फिलहाल n था हाँ एक ही एडजॉइंट है n माइनस 1 ही रह जाएगा क्योंकि पावर देखिए 1 चमक रहा है अच्छा तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a 3 माइनस 1 यानी क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a का होल स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर बोले तो 9 यानी कि ये इसका वैल्यू क्या हो गया 9 जो b का वैल्यू हो गया देखिए ना डिटरमिनेंट ऑफ b का वैल्यू आ गया 9 और डिटरमिनेंट ऑफ b का वैल्यू को बोला है b यानी सिंपली हम लोग क्या निकाल लिए बाबू a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 9 अच्छा और बोला है इसका वैल्यू निकालने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 1 इनटू s तो ए बी का तो वैल्यू अपने को आ चुका है अब लाना किसका वैल्यू है s का वैल्यू लाना है हाँ आप नोट कीजिए हाँ हम s का वैल्यू निकालते हैं तो अब याद रखिए कि a का वैल्यू कितना आया हाँ ये अब देखिए s का रिलेशन यहां से हम लोग निकालेंगे समझ रहे हैं s का रिलेशन यहां देखिए s by 2 लिख रखा है s by 2 इसको मन की आंखों से देखिएगा तो gp नजर पड़ेगा देखिए कैसे यहां पर क्या लिखा हुआ a by b यहां पर a स्क्वायर यहां पर b क्यू यानी कैसे मल्टीप्लाई हो a by b स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया होगा फिर इसी में सोचिए a स्क्वायर a by b स्क्वायर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा a पर पावर सॉरी अच्छा ये तो ए स्क्वायर बन गया ना इसमें ए बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इसमें ए बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा इससे क्या पता चलता है कि जीपी अगर एक कांस्टेंट
नंबर अगर किसी टर्म में बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है इससे क्या पता चलता है, जीपी पता लगता है। ये सब तो पढ़ा रखे हैं तो पता चलना चाहिए आपको जीपी। और इनफिनाइट टर्म का क्या है, सम है। तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ए बाई एस इनफिनिटी क्या है, ए बाई वन माइनस आर। तो ए के स्थान पर तो ए बाई बी हो जाएगा, वन माइनस आर, आर के स्थान पर ए बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। हाँ, यहां से आ जाएगा ए बाई बी, यहां से एलसीएम क्या लेंगे बाबू, बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या बन जाएगा, ए बाई बी इंटू हाँ बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए। हाँ, ये किसके बराबर चल रहा है, एस बाई टू के बराबर चल रहा है। यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया, ए बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। ये सही है ना, गलती हो गया क्या, बराबर यानी कि एस बाई टू बराबर कितना आ गया, ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए। तो एस का बराबर क्या हो गया, एस बराबर ये टू इधर चल गया, टू ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए। अब वैल्यू सब का रख दें, एस बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी होने का मतलब ए का वैल्यू थ्री, थ्री और बी का वैल्यू नाइन। तो ए बी मतलब कितना हो गया, नौ सत्ताईस, सत्ताईस ना चौवन, चौवन माइनस बी स्क्वायर ए, यानी कि इक्यासी माइनस तीन, इक्यासी माइनस तीन अठारह ना सेवेंटी एट, इक्यासी माइनस तीन यानी कि सेवेंटी एट, सेवेंटी एट ये आ गया वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो कैसे निकलेगा, ए के स्थान पर तीन और यहाँ पर आ गया इक्यासी, थ्री इंटू इक्यासी यानी कि दो सौ तैतालीस आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, ए स्क्वायर बी यानी कि नाइन इंटू नाइन इक्यासी, यहाँ पे वन और इंटू कितना हो जाएगा, चौवन बटा यह आ जाएगा चौवन बटा अठहत्तर। अच्छा अब कितना हो गया, दो सौ चौवालीस प्लस इक्यासी, दो सौ चौवालीस प्लस इक्यासी कितना हो जाएगा, फाइव ट्वेल्व थ्री तीन सौ पच्चीस, तीन सौ पच्चीस सही है ना। हाँ, प्लस नहीं नहीं एक तक नहीं है, तीन सौ तैतालीस एक चौवालीस तभी तो आ जाएगा। हाँ, तो आ गया तीन सौ पच्चीस, तीन सौ पच्चीस इंटू चौवन बटा अठहत्तर। हाँ सर, यहाँ क्या हो गया, तीन सौ पच्चीस, हाँ इसको कट कुट करके क्या करते हैं सर, इसको तेरह वर्ग में कितना गया, पच्चीस मध्य में कैंसिल हो जाएगा, और ये दो सौ पच्चीस अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, आसान क्वेश्चन है। हाँ, इस टाइप में देखिए, कल एक चीज समझाया हुआ कि आया हुआ एक टर्म यूज हुआ हुआ है, ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स का क्या निकाले थे, कुछ सोल्यूशन निकाले होंगे ना, जो इवन आ रहा था टू फोर सिक्स वगैरह आया था, याद आ रहा कुछ कुछ। हाँ, इसी टाइप का है। क्या बोल रखा है, गिवन द मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स दे रखा है, एंड एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द सेट इक्वेशन, एक्स इसका माने बोल रहा है कि किस किस वैल्यू के लिए ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। हाँ, वेयर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, वन क्योंकि एक्स का वैल्यू वन होगा तो बराबर तो होगा, ऑब्वियस बात है। हाँ, इसका सोल्यूशन ने बोला इवैल्यूएट, तो इसका सोल्यूशन, हाँ पाई को तो जानते हैं प्रोडक्ट होता है। हाँ, वेयर द कंटिन्यूड प्रोडक्ट एक्सटेंड्स, हाँ और ये जो बोला है प्रोडक्ट कहां तक का होगा, बोला है कंटिन्यूड करते चले जाइए, इसके मतलब कि आप इन्फिनिटिव तक चले जाइए। एन के मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू, हाँ इन्फिनिटिव का मतलब होता है कंटिन्यूड, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, यानी कि इन्फिनिटिव तक को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। सोच बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसको बताएं कि अगर इसका ये सोल्यूशन है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि टू सेटिस्फाई करेगा थ्री सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो वापस ए ही बनकर आ जाएगा। समझ, आप करके देख लीजिएगा, नियम कहता है कि आप करके दिखाइए, लेकिन अब इतना टाइम ज्यादा नहीं है। हाँ, आप लोग इतना कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए कीजिएगा तो एक बराबर आ गया। इसके मतलब क्या हो गया बाबू, कि ये क्या हो गया, आइडम्पोटेंट हो गया, हो गया आइडम्पोटेंट। अच्छा, आइडम्पोटेंट के दरमियान बताए थे कि अगर ए स्क्वायर बराबर ए हो गया, इसके बाद ए का पावर थ्री, ए का पावर फोर, ए का पावर फाइव सब ए के बराबर ही हो जाता है। हाँ, थ्योरी में इस बात को बताएं आपको। हाँ, ऐसे फिर करवाते हैं कि ए क्यूब कैसे निकलेगा, दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, तो फिर तो ये ए ही के बराबर आएगा। ए फोर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए थ्री देखिए होगा, ए आ गया था। हाँ, इसको ए फोर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, तो पावर फोर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे फिर तो यही हो जाएगा। समझ गए बात, ए क्यूब आ जाएगा इस तरफ ना, स्क्वायर करेंगे नहीं, ये हाँ समझ रहे कि सब आने वाला है। थ्योरी में बहुत अच्छा समझा रहा क्या, यानी कि अब एक्स का सोल्यूशन क्या क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब हो गया, क्योंकि सब सेटिस्फाई करते हैं। एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो सब सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि आइडम्पोटेंट आ गया। तो एक्स का वैल्यू हम ये लिख सकते हैं कि एक्स का जो वैल्यू होगा दो तीन चार पांच और डॉट 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 होगा, वन नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो पहले ही मना कर रखा है। तो अब बोल रखा है कि इसका वैल्यू बताइए,
हाँ, तो इसके मतलब जानते हैं कि प्रोडक्ट होता है। हाँ, तो समझ गए कि इसका वैल्यू 2, 3, 4 आने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका वैल्यू। तो ये देखते हैं कि AQ माइनस BQ के फॉर्मूला को ब्रेक कर लेते हैं। AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, पाई क्या जाएगा, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, पता है हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, यही होगा ना, नीचे है ना, माइनस एक्स हो जाएगा, सही है, सही है। अब क्या होगा यहाँ, हाँ अब क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं कि आप देखो क्या पता है कि इन्फिनिटी तक जाना है, हम क्या करते हैं सबसे पहले एन तक ही जाते हैं। हाँ, अब फिर क्या बोलेंगे कि एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब तो थोड़ा सा लिमिट का जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो इतना छोटा लिमिट है कि आसान लिमिट है कि आसान सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे हम बार बार क्या बोल रहे हैं बेटा कि इसको क्या बोला है इन्फिनिटी तक जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एन तक जाएंगे, अब फिर को क्या करेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। आपको जीपी में जब चाहे एपी पढ़ा रहे होंगे इस टाइप का वैल्यू यूज किया जीपी के दरमियान एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या होगा कि क्या करते हैं इसके स्थान पर x का वैल्यू तो पता है कि क्या क्या लेना है अपने को, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब लेना है। और कहां तक लेना है, n तक अपने को ले जाना है। हाँ, सबसे पहले n तक जाते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। हाँ, तो 2 जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1, और जब 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। और इसको पहले इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, इस फैक्टर को अलग करते हैं, इस फैक्टर को अलग करते हैं। यहां से इस फैक्टर क्या आ जाएगा 1/3, जब यहां पर 3 रखेंगे क्या आएगा 2/3 रखेंगे 4 आ जाएगा ना, सही है। जब यहां पर क्या रखेंगे 2 रखें तो ये आ गया, हाँ 3 रखें तो ये आ गया, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3/5, जब 4 रखेंगे तो आ गया 3/5, जब 5 रखेंगे तो 4/6। यानी देख रहे हैं पैटर्न कुछ मिल रहा है पैटर्न ऊपर, और रखते हैं यहाँ 5, जब 6 रखेंगे तो क्या आएगा 6/7 आ जाएगा, 5/7। हाँ, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा मल्टीप्लिकेशन, एन तक। एन तक जाने का मतलब क्या है, एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, समझ गए। इसी तरह हम लोग इसमें अब रख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर x के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे 4/6 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 क्या हो जाएगा 3। अब क्या रखते हैं, 2 रखे थे ना अभी, अब रखेंगे 3, क्या हो जाएगा 9 3 12 1 13 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1 10 माइनस 3 यानी क्या जाएगा 7। अब रखते हैं 3, क्या 3 रखे 4, हाँ क्या जाएगा 16 20 21, हाँ 21 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16 17 यानी 13 आ जाएगा। और डॉट डॉट हम लोग कहां तक चले जाएगा बाबू, एन तक। एन जाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का स्थान पर एन रख देंगे, एन स्क्वायर प्लस एन और प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन, यहां तक चला जाएगा। अब देखिए कैंसिल कैसे हो रहा कि दो टर्म छोड़कर कैंसिल हो रहा, आप सीरीज सिक्वेंस का भी यूज है थोड़ा सा, समझ गए। देखिए इस क्वेश्चन के IIT में कैसे फंसा था, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे फंसा था कि देखिए इस तरफ से दो टर्म छोड़ के कैंसिल हुआ, देखो इसका कैंसिल यहां से हुआ है, इसका कैंसिल बीच में देखो टर्म छोड़कर हुआ है, इसी तरह इसका कैंसिल फिर ये वाला टर्म से नहीं हुआ, इससे हुआ, इसी तरह इसका टर्म किससे हुआ है, इधर से हुआ होगा, इस तरह कहीं ना कहीं इसको भी जाकर कैंसिल कर दिया होगा, समझ गए। अच्छा नीचे से ऊपर हुआ ना, हाँ तो कहीं कहीं क्या हुआ होगा, कैंसिल हुआ होगा, तो क्या हुआ कि इधर से अगर दो टर्म छूटा है तो इस तरफ से भी क्या होगा, दो टर्म छूटेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए हैं लगता, यहाँ पे 1/3 सही है ना, 2 प्लस 1 3 सही है। हाँ सर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गया था, इस वजह से पैटर्न नहीं हम लोग को मिल रहा था। हाँ यहाँ पर क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1 है और नीचे माइनस 1 है, समझ गए, थोड़ा सा मिस्टेक से सर पैटर्न नहीं पकड़ा पा रहा। हाँ एक भी मिस्टेक कर देगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हाँ पैटर्न ही नहीं मिल रहा था, समझ गए आपको। तो अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा अपने को, हाँ इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे से, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस वन। तो अपने को पता है कि क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या क्या है, 2, 3 रखना स्टार्ट करेंगे, इसका फैक्टर अलग करेंगे, इसका फैक्टर अलग करेंगे, तो इसका फैक्टर जब अलग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, देखिए 3/1 दिखाई दे रहा, जब 2 रखेंगे तो 3/1 इंटू आ जाएगा 4/2
इसके बाद आ जाएगा 5/3। हाँ, और जब मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा तो आगे जा करके आपको मिल जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, दिखाई दे रहा। हाँ, और इसी जब इससे मल्टीप्लाई किया जाए क्या जाएगा 3/7। देख लीजिए, करके देख लीजिए। हाँ, क्या जाएगा, यहां रखेंगे 2 तो आ गया 4, 4 प्लस 1 5 और माइनस 2 3 आ गया, नीचे आ गया 3/7। इसके आगे आ जाएगा 7/13, इसके बाद आ जाएगा 13/21 इंटू डॉट 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 एन तक रख दीजिए, क्या जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, यह आ जाएगा सर। अच्छा, अब देखिए कैंसिल फिर क्या हो रहा है, कैंसिल देखिए कैसे कैसे हो रहा है। हाँ, इसका देखिए इससे कैंसिल हो रहा है एक टर्म छोड़कर, इसी तरह इसका यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह इसका यहां से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ऊपर से लेकर फिर नीचे क्या हो जाएगा अपना कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इधर से देखिए, इधर देखिए कि इधर नियम क्या बोलता है सीरीज सीक्वेंस के अंदर बताएंगे कि स्टार्टिंग का अगर दो टर्म छूटा है, देखिए ना एक टर्म ये वाला छूटा है और एक टर्म ये छूटा है, तो इधर से भी क्या होगा, दो टर्म छूटा होगा, इधर कैंसिल नहीं हुआ होगा इस तरफ। ये नियम बोलता है कि स्टार्टिंग का देखिए दो टर्म छूटा हुआ है तो एंड से भी क्या होगा कि इधर से दो कैंसिल नहीं होगा तो दो इधर से भी कैंसिल नहीं होगा ना जी, इधर ये बात बोल रहा है। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग का इधर से क्या आ गया 1/1 × 2 है। हाँ, तो इधर से क्या आएगा एन प्लस वन से जस्ट पहले क्या होगा एन एन, तो इधर क्या आ गया एन इंटू एन प्लस वन आ गया इस तरफ से। हाँ, इसका ये हो गया और इस तरफ से क्या हो गया, इसका तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, एक एक टर्म पे कैंसिल हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो गया होगा। तो यहां से सिंपल क्या बच गया बाबू, इधर से 3 और इधर से 3/n² + 1+1, यहां तक सही है। अच्छा, ये जो बोला है प्रोडक्ट करने के लिए कहां तक बोला है, अंत तक करने बोला है कि जहां तक आप जा सकते हैं, तो हम फाइनल कहां तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो हम लोग लास्ट को क्या माने एन, तो एन को कहेंगे तू सारा इन्फिनिटी तक चला जा, समझ गया। तो अब देखो इन्फिनिटी तो जाने के लिए लिमिट का जरूरत पड़ेगा। हाँ, आप लोग लिमिट तो पढ़े नहीं, बट बहुत आसान है, हम समझा देंगे आपको लिमिट। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, हम इसके आगे लिखते हैं, यहाँ तक आई होप कि क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आ गया आपका। हाँ, तो हम इसको मिटाते हैं यहाँ से। हाँ, इसमें क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं। हाँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसके मतलब कि जो एन आप वेरिएबल माने हैं वो कहां तक चला गया, इन्फिनिटी तक। ये बात समझ गए ना कैसे इन्फिनिटी तक गए हैं। यहां से क्या लिख लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2 आ जाएगा 2। हाँ, और यहां से क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। अच्छा, लिमिट क्या बोलता है कि जो कॉन्स्टेंट है तुम्हारे पास। हाँ, जैसे n टेंस टू वेरिएबल यानी कि n वेरी किया है, तो n वेरी किया था कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या करता है लिमिट के इस तरफ लगा लीजिए। हाँ, लिमिट पढ़ाएंगे आपको। हाँ, तो क्या कर देंगे 3/2 इस तरफ लिख लिए। अब क्या बच गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहां से क्या बच गया बेटा कि एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन बच गया। अच्छा, अब देखिए अगर ये चीज ऊपर रहता तो डायरेक्ट इससे डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। हाँ, तो क्या जाएगा 3/2 लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/1 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना, ये एग्जैक्ट में यही लिखा हुआ है रियल में। हाँ, अब देखिए इसको अलग अलग कर सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाई इतना, इतना डिवाइडेड बाई इतना कर सकते हैं। तो इस तरफ करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ, तो इस तरफ करते हैं, क्या आ गया यहां से आ गया 3/2 लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/ हाँ ये कर लें एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1/ एन स्क्वायर प्लस एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बाबू कितना हो गया 1 हो गया। अब सोचो, हाँ अब क्या आ गया 3/2 लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/ एन स्क्वायर प्लस एन। अब बताओ कि अब तो कुछ कैंसिल होने को रहा नहीं, तो एन का वैल्यू क्या बोल रहा है इन्फिनिटी टेंड्स करने के लिए, तो इसके मतलब क्या होता है एन के स्थान पर इन्फिनिटी रख दीजिए, तो एन का स्थान पर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा इन्फिनिटी, अब प्लस इन्फिनिटी क्या होगा ओवरऑल इन्फिनिटी, ऐसे आ जाएगा 3/2 और एन अब मान के चलो रख दिए, यहां पर क्या बन गया। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी हम लोग, गड़बड़ ये कर दी कि 1/ यहां पर क्या आ गया 0 + 1 + 1/n² + n बना हुआ है,
ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा बना हुआ है ना, हम लोग तो वन को भूल ही गए थे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब मान के चलो क्या रख दिए, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, अब एन का वैल्यू इन्फिनिटी रख दिए, यहाँ से लिमिट को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू वन बाई वन प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी आ गया, वन बाई इन्फिनिटी क्या करेगा, जीरो को ट्रेंस करता है, तो क्या आ गया, थ्री बाई टू इंटू वन बाई वन प्लस जीरो, यानी कि ओवरऑल वन ही रह गया, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, थ्री बाई टू। देखिए फिर से आपको बता देते हैं हम कि ये सब तो हम लोग करके चले आए हैं, इसका ये था, तो इसको फॉर्मूला में ब्रेक किए, फिर क्या रखें, एक्स का वैल्यू टू रखें, थ्री रखें, हाँ तो दोनों अलग अलग किए, यहां देखे थे कि दो को छोड़कर कैंसिल हुआ, वन और टू छूटा हुआ था नीचे का, तो इस तरफ का एन एन प्लस वन ले लिए, क्लियर है, इस तरफ जब कैंसिल कर रहे थे देखे कि स्टार्टिंग का पास फर्स्ट छूटा हुआ था, तो उधर का भी क्या छूटेगा, फर्स्ट छूटेगा, दोनों कर लेकर क्या लगा लिए, एन टेंस टू इन्फिनिटी क्यों लगा बेटा, क्योंकि पूछ रखा था कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट, बोला नहीं ना कि कहां तक जाना है, हाँ तो हम लोग इन्फिनिटी तक चले गए, तो सबसे पहले क्या लिए, एन तक पहुंचे और एन को क्या बोल दिए, इन्फिनिटी चला गया, हाँ तो बोले कि यहाँ पर से तो इन्फिनिटी लगा लिए, इसमें लगा लिए, थ्री बाई टू कॉन्स्टेंट को बाहर लिए, ये आ गया, देखिए इसको ऊपर आता तो कैंसिल कर देते हैं, हाँ जैसे यहाँ पर लाकर कैंसिल कर दे, रेसिप्रोकल ले लिए, हाँ इसके बाद आई होप समझ में आ गया वो, क्लियर, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ सर देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, सब एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ क्या बोल रखा है सर कि लेट ए बी थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है ना, तो पहले थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स बना लेते हैं, हाँ सच दैट ए वन वन ए थ्री थ्री इक्वल टू क्या है टू, इसके मतलब ए वन वन यहाँ रहता है, ए थ्री थ्री यहाँ रहता है, ये दोनों टू टू रहेगा, हाँ एंड ऑल द अदर ए आई जे इक्वल टू वन, इसका मतलब बाकी सब क्या है वन वन है, यहाँ वन लगा लेते हैं, यहाँ वन लगा लेते हैं, यहाँ वन 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 वन, ये थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया, समझ गए, ये बोल रहा था। इसके बाद बोल रहा है लेट ए इनवर्स इक्वल टू ये, यहाँ पे क्यूबिक होगा शायद, एक मिनट नहीं सही है, एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ए इनवर्स लगा हुआ, ए इनवर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि आपको ए दे रखा है, ए इनवर्स इस टर्म में लाना है, आपको देखिए बताया होंगे एक क्वेश्चन, हाँ तो आपको याद आ जाएगा, हाँ कि इसमें लगाना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल लगाना पड़ेगा डायरेक्ट ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने का तीन तरीका बताए थे, एक एडजॉइंट से, एक थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेचीदा था वो, एक इनवर्स आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से, हाँ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल से ही जाना है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ऑलरेडी दे रखा है ये, सर इसका जाइएगा तो यहाँ क्या लगा लीजिए, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू क्या लगा लीजिएगा जीरो, अरे कहीं पर लेमडा लिखते हैं कहीं पर एक्स लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू माइनस लेमडा वन वन, हाँ वन वन माइनस लेमडा वन, हाँ वन वन टू माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, इसको प्लस माइनस प्लस लगा के सोल्व कर लीजिएगा, हाँ तो उतना मल्टीप्लीकेशन हमको नहीं आता, हाँ तो हम देख के लिख देते हैं, आपका जब मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा लेमडा क्यूब, ऐसे भी देखना देखिए ना आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस फाइव लेमडा स्क्वायर प्लस फाइव लेमडा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब क्या बोलता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना मैट्रिक्स को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, इसके मतलब क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस आई इज इक्वल टू जीरो, आपको देखो ना आई नजर पड़ेगा बेटा, आपको निकालने क्या बोल रखा है ए इनवर्स, तब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने जानते होंगे ना कि आइडेंटिटी इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए इज इक्वल टू आई, और ए इनवर्स से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन ए आ जाएगा, और ए इनवर्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस ए, सॉरी नहीं यहाँ पर यहाँ फाइव आ जाएगा, फाइव आई इज इक्वल टू आई ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई तो आई के बराबर हो गया, हाँ ये तो आई बराबर ए आ जाएगा ना, नहीं सॉरी ए इनवर्स, हाँ ये आई हो गया आई का कुछ है ही नहीं, कुछ इधर से देखिए ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फाइव आई, तो अब मैचिंग मैचिंग खेल लो, हाँ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, देखो ना इसका इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन रखेंगे तब बराबर होगा, यहाँ क्या माइनस फाइव है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है समझ में ना, देखो ना वाई यहाँ पर है माइनस फाइव, अच्छा आई के साथ कौन लगा हुआ है जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा वन माइनस फाइव प्लस फाइव, आंसर क्या आ गया
वन, समझ गए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रखा है कि गिवन दैट ए इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू दिस, डी इक्वल टू दिस एंड सी बी इक्वल टू डी, हाँ सी बी इक्वल टू डी, सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी। हाँ, तो सॉल्व द मैट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, किसको सॉल्व करना है, यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स, एक्स को सॉल्व करना है। तो एक्स को सॉल्व करने के लिए देखते हैं ना क्या आता है एक्स को सॉल्व करने के लिए। हाँ, तो क्या अपना कंडीशन दे रखा है, सबसे पहला कंडीशन क्या दे रखा है कि सी बी इक्वल टू क्या दे रखा है, डी, सबसे पहला कंडीशन ये दे रखा है। तो अपने को क्या निकालना होता है, यहाँ देखना एक्स इक्वल टू क्या है, बी। तो सबसे पहले बी का वैल्यू फाइंड आउट करें, ये बात समझ रहे हैं, ये कंडीशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बी को फाइंड करते हैं। अब सोचो कि यहाँ पर से बी कैसे निकालेंगे, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे नहीं समझ पाया, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बच जाएगा, तो ये बी भी बच जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, सी इनवर्स इंटू सी जो बी, और क्या हो जाएगा, सी इनवर्स डी। अब ऐसा मत करना, इनवर्स इधर से लगा देना, ये इनवर्स इधर से लगा देना, फंस जाओगे ना। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, सी इनवर्स डी आ गया, बी इक्वल टू ये। अच्छा, अब क्या बोलता है, अब इसका निकल गया ये, तो अब इसको लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या है, बी। इसके मतलब क्या हो गया कि एक्स इक्वल टू सी का इनवर्स और डी, ठीक है। अच्छा, तुमको निकालने के लिए क्या बोला है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन के मतलब क्या होता है कि एक्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब सोचो एक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए तुम क्या करेगा, फिर से ए लगा देंगे। हाँ, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, इधर से भी लगा दें ए इनवर्स, इनवर्स इस तरफ से लगाए क्या, सी इनवर्स डी, इस तरफ सिंपल एक्स बच जाएगा। हाँ, इस तरफ क्या आ जाएगा, इसको देखो लिखते हैं चलाकी से, देखना किसी चलाकी करते हैं, सी ए का इनवर्स बोलो सही है, सही है ना, इनटू क्या करेंगे डी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा, समझ गए। देखिए, तो सी ए का इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे, पहले सी ए निकालेंगे, पहले यानी कि सी और ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। हाँ, तो सी सी ए निकाल लेते हैं, तो सी ए अपना क्या आ जाएगा, सी ए जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सी ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा फाइव सेवन फोर, फाइव सेवन थ्री टेन थर्टीन एट, ये आ जाएगा सीए का मल्टीप्लीकेशन, समझ के बाद। लेकिन सीए का क्या बोल रखा है, इनवर्स, तो मतलब इसका इनवर्स बोल रखा है जी। हाँ, तो इसका इनवर्स निकालने के लिए इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो इसका डिटरमिनेंट जब निकालिएगा सीए का, हाँ, तो वो आ जाएगा माइनस फाइव, समझ रखे हैं। अब इसका जब एडजॉइंट निकालिएगा, हाँ इसका जब एडजॉइंट निकालिएगा, यानी कि एडजॉइंट ऑफ जब सीए निकालेंगे, हाँ वो आ जाएगा, हाँ डायरेक्ट एडजॉइंट लिख देना, कोई फैक्टर वगैरह कुछ नहीं, हाँ डायरेक्ट एडजॉइंट लिखा बना लीजिएगा, समझ लेना कि क्या यहाँ लगा देंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस लगा देंगे अपना, हाँ और सबका ये कवर करके लिख लेंगे, हाँ साइन वगैरह सब जानते हैं ना, हाँ सब जानते हो, और उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे, हाँ हम डायरेक्ट निकाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ सीए। एडजॉइंट ऑफ सीए जो आया बाबू, हाँ एडजॉइंट ऑफ सीए जो आया कहाँ यार, ये आया आपका, हाँ सेवनटीन माइनस फोर माइनस सेवन माइनस टेन जीरो और आया है आपका फाइव, समझ गए, आया आपका फाइव, और यहाँ आ गया है माइनस फाइव, यहाँ आ गया है फाइव, और यहाँ आ गया है जीरो, समझ गए, ये चीज आ गया है। हाँ, तो अब क्या निकाले अपने को, सब कुछ निकल गया है, तो अब देखिएगा सब आप निकाल लीजिएगा। हाँ, तो अब हम मिटाते हैं इस तरफ से, हाँ इसलिए क्वेश्चन मिटाते हैं, अच्छा अब तो पता था कि x इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया था, सी ए का इनवर्स इंटू डी, अच्छा डी मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा, हाँ कुछ होगा, तो सी ए का इनवर्स मतलब क्या हो गया, इतना डिवाइडेड बाई माइनस फाइव हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लें माइनस वन बाई फाइव, और सी ए का इनवर्स, हाँ क्या आ जाएगा, सत्रह माइनस चार माइनस सात माइनस दस जीरो पांच माइनस पांच पांच और जीरो, हाँ इंटू डी लिख लें, समझ गए, ये क्या होते हो ना, ये डिवाइडेड बाई माइनस फाइव है एक्चुअली में, एडजॉइंट ऑफ सी ए है, और डी का वैल्यू क्या है, यहां से मिटा लीजिए, हाँ डी का वैल्यू अपना क्या है, डी का जो वैल्यू है वो है
डी का वैल्यू है 10 39 10 39 समझ गए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वन बाई फाइव को रहने देते हैं, जब इसका मल्टीप्लीकेशन इसे कीजिए कितना आ जाएगा 170, इसका इससे कीजिएगा तो माइनस 130 और इसका इससे कीजिएगा तो माइनस 45, यानी कि यहाँ कितना हो गया माइनस 175 या माइनस 5 हो जाएगा। इसका इससे कीजिएगा तो माइनस 40, इसका इससे किया तो 0 और इसका इससे कीजिएगा तो प्लस 45, यानी कि 5 आ जाएगा। अच्छा, जब इसका इससे कीजिएगा तो माइनस 70, इसका इससे कीजिएगा तो 0, सॉरी इसका इससे करेंगे माइनस 70, अच्छा गलती कर दी ना, इसका इससे करें ना बच्चों, सत्तर प्लस 65 और प्लस 0 यानी क्या गया माइनस 5। यहाँ कितना बन गया बाबू, ये माइनस 5 अंदर ले चल जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 ये आ जाएगा। तो ये x का होने का मतलब क्या है, ये x होने का मतलब ये होगा मे बी x1 y1 z1, अरे x है ना इधर जो आ गया इधर बराबर भी आएगा, हाँ इस तरफ क्या आ जाएगा मतलब क्या हो गया एक्स वन का वैल्यू माइनस वन वाई वन का वैल्यू वन और जेड वन का वैल्यू माइनस वन, बोलिए सही है। हाँ सर आंसर आपका क्या है सही है, हाँ सर जेड का वैल्यू वन है, गलती कर देगा। अच्छा ये माइनस माइनस फाइव हाँ यहाँ कितना इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, अच्छा ये डिवाइड जब करेंगे कहाँ करेंगे, अच्छा ये कर रहे हैं ना, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा, देखो ना माइनस है ना ये आ जाएगा प्लस वन, इससे जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन, जब इसका इससे करेंगे तो प्लस वन आएगा, समझ में आ गया। इसके मतलब एक्स वन का वैल्यू तो वन हो गया, वाई वन का वैल्यू क्या आ गया माइनस वन और जेड वन का वैल्यू क्या हो गया वन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल। हाँ सर देखिए ये आपका क्वेश्चन है कॉलम वन और कॉलम टू, ये आपका कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, आप मैचिंग कर लीजिए, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए सर, पूरे बोर्ड भर चुका है आप नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए नोट कीजिए आप। हाँ सर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा, हाँ मेरे पास तो मिट गया, हम देख के ये कर लेते हैं। हाँ क्या रखा है सर, हाँ आपका दे रखा है कंसीडर द मैट्रिसेस, हाँ ए इक्वल टू कुछ दे रखा है, हाँ बी इक्वल टू कुछ दे रखा है, लेट पी बी एनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड क्यू इक्वल टू दे रखा है, हाँ यहां लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है आपका पी ए पी का ट्रांसपोज, हाँ आर इक्वल टू दे रखा है आपका P ट्रांसपोज Q का पावर K इंटू क्या है P, S इक्वल टू आपको दे रखा है P B P का ट्रांसपोज और T इक्वल टू दे रखा है P का ट्रांसपोज S का पावर K और क्या दे रखा है P, हाँ ये दे रखा है, हाँ दो मैट्रिक्स दे रखा है P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने का मतलब क्या हुआ P इंटू P का ट्रांसपोज इक्वल टू I या P ट्रांसपोज इंटू P के बराबर, ये जानते हैं इसको क्या बोला जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ इस कंडीशन में क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो क्या करते हैं आपका देखिए ऑप्शन ए जो है, हाँ मैं इस कॉलम में ऑप्शन जो ए है जो आपके पास ए जो दिया हुआ वो बोल रहा कि इफ वी वैरी के फ्रॉम वन टू एन, के कर रहा है वैल्यू वन टू एन, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट्स आर विल फॉल, हाँ यानी कि आर के अंदर, हाँ जो R के अंदर मैट्रिक्स बनेगा K का वैल्यू 1 से लेके N तक वैरी करने बोला, हाँ तो बोला है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, समझ रहे हैं। तो R इज इक्वल टू आपको ये दे रखा है K का वैल्यू क्या करना है 1 टू N तक करना है, तो सबसे पहले K का वैल्यू क्या लेंगे 1, तब यहाँ क्या बनेगा R इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज क्यू इंटू पी बनेगा, और यहाँ क्या करते हैं पी ट्रांसपोज और क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे क्यू का वैल्यू ये रख ले क्या बन जाएगा पी ए पी का ट्रांसपोज, ये क्यू का वैल्यू आ गया इंटू पी आ गया, अच्छा बताओ बेटा ये क्या हो गया आई आई हो गया, ये भी क्या हो गया आई, तो आई इंटू ए इंटू आई क्या हो जाएगा ए ही रह जाएगा, यानी कि जब के का वैल्यू वन लिए तो सिंपल आर बराबर क्या आ गया ए, अब के बराबर क्या लेते हैं टू, तो क्या आ जाएगा आर पी ट्रांसपोज क्यू का स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा, इसके मतलब क्या हो गया पी ट्रांसपोज Q का वैल्यू क्या हो जाएगा पी ए पी का ट्रांसपोज ए पैन, हाँ फिर क्या लेंगे पी ए पी का ट्रांसपोज दो बार लिख लें दो बार लिख इंटू क्या कर लेंगे P आई हो गया आई हो गया आई हो गया आई हो गया बच गया क्या ए ए, हाँ आर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर
यानी क्या हो गया, इसी तरह जब तीन टाइम लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू एक क्यूब आ जाएगा, इसी तरह एन बार लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन। हाँ, तो बोला है कि अगर आर इस टाइप का है हाँ, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा। हाँ, तो लिखते हैं हम लोग क्या क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, हम लोग यहां से काम चला लेते हैं। ए का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, ए का वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 3 1 -4 और -1 ये दे रखा है। तो ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा वो निकालते हैं। जब ए स्क्वायर निकालिएगा तो वही ये आ जाएगा आपके पास 3 हाँ 3 4 -1 हाँ आ जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ आ जाएगा 5 1 -4 और -1 ये आ जाएगा ए स्क्वायर, समझ रहे हैं। ए स्क्वायर अब क्या निकाल लेते हैं, एक क्यूब हाँ एक क्यूब समझ, इसी में ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका एक क्यूब जो आ जाएगा 7 3 -12 और क्या आ जाएगा -5। ये समझ गए, ये सब समझ में आ रहा है, ये समझ में आ, ये समझ में आ गया। तो अब जो पूछा है ऑप्शन जो कुछ रखा है ना वो देखिएगा, कुछ रखा है कि यू वेरी देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाँ आर का, ये सब आर है, सब आर है, ये बात पता है, सब आर है। तो आर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, हाँ आर का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा। तो एक देखिए 3 हो रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोला जाएगा एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक क्या हो गया 7। देख रहा 3 5 7 ये एपी की तरफ मूव कर रहा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए का ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा एपी विथ कॉमन डिफरेंस 2, यानी कि ए का हो गया क्यू, ये हो गया अच्छा सही है, ये क्यू में है, ये कॉमन डिफरेंस क्या है 2। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ना, जो सेकेंड ऑप्शन है वो दे रखा है कि इफ वी वेरी के फ्रॉम 1 to n सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ऑफ एलिमेंट आर विल फॉर्म, आर का ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा, यानी कि -1 फिर यहाँ आ गया। अच्छा ये गलती लिख दी है, ये तो -1 ही लिख दी है, ए स्क्वायर गलती लिखा गया है, ए स्क्वायर क्या आया है 5, यहाँ -3 आया है एक्चुअली, यहाँ पर आया है ये आया है -8 और ये आया है यहाँ 2 और यहाँ पे आया है -3, समझ लीजिए सही लिखा हुआ है 7 3 12 -2 -5 हाँ। तो सेकंड यहाँ पर क्या आ गया -3 और यहाँ पर क्या आ गया -5, क्या आ गया -1 -3 -5 ये भी देखिए एपी में -2 कॉमन डिफरेंस इसका क्या है -2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी बना रहे थे हाँ, तो बी का आंसर क्या हो गया, बी का आंसर हो गया आपका कि सेकंड और सेकंड कॉलम, तो क्या एपी विद कॉमन डिफरेंस -2 यानी बी का आंसर क्या हो गया एस, समझ गए बी का आंसर क्या हो गया एस। चलिए नोट कीजिए हाँ और बनाते हैं आगे। हाँ सर, अब देखिए सी ऑप्शन में क्या बोल रखा है आपका कि इफ वी वेरी के फ्रॉम 1 to n के का वैल्यू 1 से n तक जा रहा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑफ एलिमेंट टी, जैसे आर में पूछा था वही क्या पूछा है टी में, तो टी इक्वल टू आपको क्या है ये दे रखा है हाँ, क्या दे रखा है टी इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज एस का पावर के, और के का वैल्यू 1 से n तक जाएगा हाँ। एक बार के का वैल्यू क्या लेंगे 1, तो क्या आ जाएगा टी इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज एस और पी, और एस का वैल्यू क्या रख लेंगे ये रख लेंगे, तो क्या आ जाएगा पी का ट्रांसपोज एस का वैल्यू क्या होगा पी बी पी का ट्रांसपोज पी, अच्छा पी बी पी का ट्रांसपोज इंटू क्या कर लेंगे पी आई आई हाँ पी, तो क्या आ गया बी के बराबर। इसी तरह जब के का वैल्यू 2 कीजिएगा तो आ जाएगा टी बराबर बी एस पर आ जाएगा, आपको दिख भी रहा होगा हाँ। इसी तरह के का वैल्यू जब 3 कीजिएगा तो आ जाएगा टी का पावर बी क्यूब आ जाएगा। इसको सब क्या करते हैं हम लिख लेते हैं, तो हम लिख देते हैं आपको, आपको हम लिख देते हैं जो एक्चुअली बी का जो वैल्यू था, बी का वैल्यू ये था ए बी 0 1 ये बी का वैल्यू था हाँ। जब बी स्क्वायर निकालिएगा तो आ जाएगा आपके पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर 0 ए बी प्लस बी और 1 हाँ। बी क्यूब जब निकालिएगा फिर इसी में मल्टीप्लाई कर देगा, ये सब कर लीजिएगा आपको, जब बी क्यूब निकालिएगा आ जाएगा ए क्यूब 0 हाँ ए स्क्वायर बी और ए बी
प्लस बी हाँ, और आ जाएगा वन। तो आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन कि के का वैल्यू वन से लेकर एन तक करता है, तो हम लोग बी तक निकाल लिए थ्री तक ना, तो बोल रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, टी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये हो गया, और क्या हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सही यही ना। तो क्या आ रहा बी आ रहा, गलती हो गया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला ये होगा ना, ए स्क्वायर एक क्यूब, ए ए स्क्वायर एक क्यूब, यानी कि क्या जीबी दिखाई दे रहा है, कॉमन रेशियो कितना है ए। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी का ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जीबी विद कॉमन रेशियो ए, यानी क्या हो जाएगा पी, समझ गए। इसके बाद बी का जो है वो क्या बोल रखा है, इफ वी वेरी के फ्रॉम थ्री टू एन, अब थ्री से किया स्टार्टिंग, यानी क्या भाई यहां से स्टार्टिंग किया है कि के का वैल्यू तीन से जब एन तक जाता है ये सम किसका रिप्रेजेंट करता है, हाँ तो यानी कि ये लिखा हुआ है क्या ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। देखिए क्या बोल रखा है कि सेकेंड कॉलम क्या के बोलते हैं देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अब तीन से स्टार्टिंग हुआ है तो तीन के लिए लेते हैं हाँ, तो आप देखिएगा इस तरफ से क्या जो ए स्क्वायर बी ए बी प्लस बी है, इस तरफ देखिएगा इस तरफ में क्या हुआ ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, इस तरफ भी क्या हुआ ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें क्या हुआ कि ये जीपी में चला क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जीपी में हो गया और कॉमन रेशियो क्या हो गया ए हो गया, कॉमन रेशियो क्या हो गया ए हो गया, तो जीपी में कॉमन रेशियो ए है, यानी सी का पी इसका भी क्या बन जाएगा डी का भी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। हाँ हाँ सर अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेंगे और भी अच्छा क्वेश्चन, एक लेक्चर और आपके पास आएगा हाँ, उसपे 10-12 क्वेश्चन रहेगा हाँ, उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व कर देंगे, इसके बाद हम लोग का खत्म हो जाएगा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सर आप जो बुक बनाना होगा आप बना सकते हैं, जिनके पास जो बुक बनाना है बना सकते हैं, इसको अच्छा बनाइएगा सर, एक दो बार अपने से बनाइएगा, क्वेश्चन को सब अच्छा अच्छा एडवांस कर लिया होगा हाँ सर, तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए बाय बाय।